नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉफी मीडिया में। आज हम आपके लिए लेके आए रेडमी 5, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसको अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये एक बॉक्स है, पैकिंग आप देख लीजिए। रेडमी 5 और रेडमी 5 प्लस बेहतरीन स्मार्टफोन है, दोनों ही बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो इसके अंदर देखिए डिटेल दी गई हुई है पूरी। एक बेहतरीन स्मार्टफोन बेजल लेस डिस्प्ले के साथ आया हुआ है, नया फ्लेक्स, एकदम अच्छा बढ़िया सा स्मार्टफोन। खोल के देखते हैं। चलो, हमारे पास ये गोल्ड कलर में है अभी। इसमें कवर दिया गया है फ़ोन के लिए, अच्छा सा कवर है। इसमें यूज़र मैनुअल भी है। हाल ही में Xiaomi ने बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन की लॉन्च की है, Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro, जो कि फुली बेजल लेस डिस्प्ले के साथ है। और प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे है। मेटल की बॉडी है, 4000 mAh की बैटरी दी गई है, 3GB का रैम दिया गया हुआ है और 4GB रैम के साथ भी आता है, 3GB और 32GB, 4GB और 64GB का वेरियंट है। और जो Redmi Note 5 Pro है वो उसमें डुअल कैमरा दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, लाइट वेटेड है और बैटरी भी उसकी काफ़ी अच्छी है, 4000 mAh बैटरी। साथ में एक यूज़र मैनुअल है, पूरी डिटेल इसमें दी गई हुई है। और एक चार्जर 2 वोल्ट का है, जो 2 एम्पियर में सपोर्ट करेगा, 2 एम्पियर फास्ट चार्जिंग। और एक इंजेक्टर टूल दिया गया हुआ है। तो आइए हम इस फ़ोन को स्टार्ट करके देखते हैं क्या है। फ़ोन दिखने में काफ़ी बेहतर है, मेटल की बॉडी और फिनिशिंग इतना अच्छा है। इसके अंदर 5.9 का फुल HD स्क्रीन का डिस्प्ले दिया गया हुआ है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है 625। इसकी प्राइस है 11000 32GB के लिए, जिसके अंदर 3GB का रैम रहेगा और तकरीबन 12 या 13 हज़ार रुपये 64GB वेरिएंट और 4GB रैम के साथ ही आएगा। ये बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ये दूसरा फ़ोन है वो Redmi 5 है, जो कि कंपनी ने अभी लॉन्च नहीं किया हुआ है। आगे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्लैश के साथ दिया गया हुआ है, LED फ्लैश भी आगे दी गई है, जिससे आप बेहतरीन सेल्फी ले सकते हैं लो लाइट में भी और रात के अंधेरे में भी आप एक बेहतरीन सेल्फी ले सकेंगे। तो अभी मैं ये फ़ोन चालू कर रहा हूँ, ज़रा वेट कीजिए, चालू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दूसरी बात बता दूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे एक सेंसर भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर और LED फ्लैश काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ है। हम Redmi 5 को देखें तो इसमें डिस्प्ले का साइज थोड़ा कम है और इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। और ये इस फ़ोन में डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है, उसमें 5.7 इंच का दिया गया हुआ है, इसके अंदर 5.9 इंच का दिया गया हुआ है। देखिए फ़ोन का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है और मेटल डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया बनाई गई हुई है। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ, ज़रा देखिए ये कैसा दिखता है। आप देखिए ड्यूअल स्पीकर दिए गए हुए हैं और चार्जिंग स्लॉट भी दिया गया हुआ है, काफ़ी अच्छा है 2 स्पीकर के साथ। और आगे ईयरफोन के लिए जैक, आयर ब्लास्टर और MI रिमोट सपोर्ट भी है। देखिए एक काफ़ी पतला और फुल विजन डिस्प्ले, बहुत ही स्टाइलिश दिखता है ये फ़ोन। ये फ़ोन की सेल 22 फरवरी से चालू होगी 12 बजे। फ्लिपकार्ट और MI.com पे
कॉल मिल जाएगा। ये मैंने फ़ोन चालू कर दिया है, ब्राइटनेस भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। देखिए MIUI 9 जो कंपनी का कस्टमाइज एंड्रॉयड है वो इसमें दिया गया हुआ है। और ये काफ़ी अलग है, जो स्टॉक एंड्रॉयड से काफ़ी अलग है और ओरियो बेस्ड है। इसमें फेस अनलॉक की भी सिस्टम आने वाली है, पर वो मार्च एंड तक आ जाएगी, जिसकी वजह से आप जिसके यूज़ करने से आप फेस अनलॉक भी कर सकेंगे। स्मार्टफोन काफ़ी हल्का है, वन हैंड यूज़ हो सकता है, और बजट सेगमेंट में MI अभी भी सबसे आगे चल रही है, अभी मार्केट के अंदर भी फर्स्ट नंबर पे है। इसमें आपकी थोड़ी डिटेल भी दिखा देता हूँ। देखिए स्नैपड्रैगन 625, 3GB 4GB रैम, 3264GB रोम, 4000mAh बैटरी और 5.99 Full HD प्लस डिस्प्ले। काफ़ी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये फ़ोन लीजिए, बहुत ही अच्छा है। एक बजट सेगमेंट में बेजल लेस डिस्प्ले यानी फुल विजन डिस्प्ले में ये पहला स्मार्टफोन है जो इतनी कम रेंज में आ रहा है। इसी सेगमेंट में इन्फिनिक्स हॉट S3 भी आया हुआ है दूसरी कंपनी में, और ये कैमरा टेस्ट जरा देखते हैं। काफ़ी हद तक जूम करने पर भी इमेज फट नहीं रही है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगे तो आप 22 फरवरी को